जय माता दी। लेते हुए माता का नाम, अब लेकर चल रहे हैं हम आपको एक्टर इशिता गांगुली के पास। इशिता को तो हमने देखा है कई सारे टीवी शोज में, जैसे गुड़ से मीठा इश्क। फिलहाल वो दिखाई दे रही हैं टीवी शो परशुराम में, जिसमें बनी हैं वो माता पार्वती। इशिता तो पहुंची हैं एक नेल आर्ट स्टूडियो में और करवा रही हैं अपनी नेल आर्ट, और यहाँ पर ये कर रही हैं हमसे ढेर सारी बातें भी जो जुड़ी हैं दुर्गा पूजा से भी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको फटाफट इशिता गांगुली के पास। इशिता गांगुली की तैयारी, त्योहार की सज धज, नवरात्रि पर खास, परशुराम में पार्वती का किरदार निभाने वाली इशिता गांगुली आज पहुंच गई हैं नेल आर्ट स्टूडियो। भाई नवरात्रि का मौका है और ऐसे में सज धज तो बनती है ना, और खुद को पैंपर करना भी उतना ही जरूरी है। तो सास बहू और बेटिया संग इशिता पहुंच गई है खुद को संवारने के लिए, और आज इस स्पा में इशिता अपने नाखूनों को अलग ही रंग देंगी और खुद को देंगी एक फ्रेश लुक। तो चलिए इशिता गांगुली से ही जानते हैं कि वो नेल आर्ट करवाने के लिए कितनी एक्साइटेड है। बोलो दुर्गा माई की जय। और इशिता हमारे साथ है, दुर्गा पूजा टाइम है और रेडी होने के लिए वो भी रेडी है अब। बिल्कुल, पूजो पूजो वाइब्स है एंड दुर्गा माँ की पूजा है तो तैयारी तो बनता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि जो पूरे साल में वेट करती हूँ ना, ये जो 9 दिन है, ये जो सारे दिन मैं कैसे कैसे तैयार हूँ, क्या कौन सी ड्रेसेस पहनूँ, तो उसकी तैयारी यहाँ से शुरू होती है, नेल आर्ट स्टूडियो से, जहाँ लोखंडवाला में हम यहाँ पे आती हूँ। मैं हर टाइम ही यहाँ पे आती हूँ, लाइक मेरे बालों के लिए, मेरे स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए, नेल्स के लिए। सो आज मैं यहाँ पे बहुत कुछ करवाने वाली हूँ, चलिए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करके। नाखूनों को फ्रेश लुक देना है और जब इतने सारे डिजाइन हो तो ऐसे में कंफ्यूजन तो होता ही है ना, इतने सारे कलर्स, इतने सारे डिजाइन। तो देखते हैं कि इशिता ने कौन सा डिजाइन फाइनलाइज किया है। आई एम गुड एंड लॉन्ग टाइम एंड यू आर लुकिंग सो प्रिटी। सो ये राजश्री जी हैं, इनके यहाँ पे मैं हमेशा आती हूँ, कोई भी फेस्टिवल हो ना हो, ऑलवेज मैं इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, मेरे नेल्स को लेके, मेरे लुक को लेके, स्किन को लेके। सो नाउ आज वो मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे कि दुर्गा पूजा में मैं क्या करवा सकती हूँ। सो राजश्री मैं क्या करूँ, सिर्फ दुर्गा पूजा है, बहुत कलरफुल है, सो मैं चाहूँगी हम कुछ कलरफुल करें। यस ट्रस्ट करती हूँ, सो मैं देखती हूँ क्या करूँ, पर यू नो मैं बहुत माइंड में मेरा कंफ्यूजन चलता है, एंड में कुछ और है। आई नो रंग में तो मतलब राजश्री भी रंगी हुई नजर आ रही है, बिल्कुल नवरात्रि की तैयारी है उनकी भी पूरी। यही होता है जब आप आते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना राजश्री, बहुत सारे इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंसान करे तो करे क्या। नहीं, अगर कोई कंफ्यूज नहीं होता है तो हम उसको कंफ्यूज करना जानते हैं। आई नो यू, दैट दो आई नो यू, सी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन आल्सो। ओ माय गॉड, घूम फिर के मैं उम्रे में नहीं आ जाऊं यार, कोई तो बता दे मेरे। ये गाना मुझे आ रहा है। हाँ राजश्री, आई एम डन, यू से I think I should go for this one, na? Yeah, you can. If you want, how much is all for sir? Haha. Which one? Okay. Yeah. Are you a brighter person or lighter person? Depends. Like bright also I like. See, now the festival, haha, haha, haha. Positive vibes. You can go with some if you comfortable. Comfortable with this thing. Yeah. Yes, I am. I've done it red. So last time I've done this thing. Like you want to do all this thing together? Single color and threading.
3D ना, बिल्कुल नाइस ना, एंड सम ग्लिटर उसके ऊपर। तो भाई फाइनली इशिता ने चुन लिया है अपना फेवरेट कलर, वो अपने नाखूनों को चमकीला बनाएंगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। भाई नेल आर्ट करवाने में काफी समय लगता है, तो सबसे पहले इशिता ने जो पहले से अपने नाखूनों को रंग दे रखा था उसे हटाया जाएगा, नाखूनों की पॉलिशिंग होगी, उन्हें फाइल कर उस पर लगाए जाएंगे जेल नेल्स। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है बहुत कुछ सोचने के बाद, बट थैंक्स टू राजश्री, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सजेस्ट किया है कि मैं सिल्वर ग्लास इफेक्ट के साथ कुछ 3D इफेक्ट करने वाली हूँ, कुछ ऐसा काइंड ऑफ लाइक दैट, बट इससे भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट फाइनली तो वो सरप्राइज ही रहेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो भाई काफी समय हो गया है और अब तक चल रहा है इशिता का नेल आर्ट, लेकिन वाकई इशिता के नेल्स काफी खूबसूरत लग रहे हैं। तो नेल आर्ट करते करते हो जाए थोड़ी बातचीत, क्योंकि दुर्गा पूजा के लिए इशिता गांगुली सज रही है, सवर रही है और खुद को कर रही है पैम्पर। भाई दुर्गा पूजा के लिए जो वो लुक लेंगी उसमें उन्हें खूबसूरत जो लगना है। इसी के साथ इशिता ने बताया कि वो दुर्गा पूजा कैसे मनाती हैं और उनके लिए कितना खास है ये त्योहार। This is so me. Like वो कहते हैं ना सजना धजना, अच्छा तो लगता है पर आसान नहीं होता है। मुझे लगा कि कंप्लीट हो गया, आधे में मैं उठने वाली थी मशीन लेकर। कितना टाइम हो गया? आई थिंक 3 hours। मैं चक्कर आ रहा है अभी, हो गया। बट डेफिनेटली जस्ट मजाक कर रही थी, ये लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं एंड इतना खूबसूरत बनाया है जो मतलब राजश्री जी ने मुझे सजेस्ट किया, एंड इट रियली लुक्स नाइस, अमेजिंग। मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ ऐसा आएगा, एंड फेस्टिव सीजन मतलब फेस्टिव वाइब लग रहा है, पूजा वाइब्स यू नो, एंड आई थिंक मैं मेरा मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मेरा सबसे हट फील लग रहा।
পুজো বাড়িতে সবাই আমাকে দেখবে না, আমার নেলস দেখবে, লাইক মুঝে নেই দেখেঙ্গে মেরে নেলস কো দেখেঙ্গে বলতে নেই উঙ্গলিও পে উঙ্গলিও কে ইশারো পে নচানা কাইন্ড অফ সো লাইক এসে নাচো মেরে উঙ্গলিও কে ইশারো পে ইসলিয়ে कोलकाता में जो वाइब होते हैं ना, लाइक दो महीने पहले से शुरू हो जाते हैं शॉपिंग करना, अब तो मतलब फुल माहौल वैसा है कि हम लोग हर रोज़ शॉपिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक ही दिन में 10-10 कपड़े पहन लेंगे, इतनी शॉपिंग कर लेते हैं हम लोग। और ऊपर से पूजो वाइज पंडाल में जाना, फिर पूजो आड्डा, खाना पीना, घूमना, इट इज़ समथिंग एल्स। लाइक दुर्गा पूजो में कोलकाता मतलब उसका कोई रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, बट डेफिनेटली यहाँ पर भी मुंबई में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे जो पंडाल्स होते हैं, जो पूजा होते हैं, मैं वहाँ पे जाती हूँ, अंजलि देती हूँ। हाँ, लास्ट 2 साल मैं कोलकाता गई थी, आई एंजॉयड अ लॉट, बट यस ये साल शायद मैं पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं, बट मुंबई अगर यहाँ रहूँगी तो मुंबई में पंडाल विज़िट करूँगी। एक तो और है कि जो मेरी एक्टिंग करियर की जो मेरी शुरुआत है वो मैं महालय के महालया वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे एक डांस ड्रामा टाइप था, तो मैं वहाँ पे दुर्गा का किरदार निभा रही थी, छोटी दुर्गा का, तो वहाँ से शुरुआत मेरी जर्नी शुरू हुई है। एंड इसीलिए माँ दुर्गा के साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन है, क्योंकि महालय पूजो के टाइम पे मुझे पहली बार मुझे चांस मिला, मुझे ब्रेक मिला एज एन आर्टिस्ट, सो येस। एंड उसके बाद मुझे बहुत सारे लाइक जैसे दुर्गा माता का रोल, काली माता का रोल, वैष्णो देवी का रोल, मैंने बहुत सारे ऐसे किरदार माइथोलॉजिकल किरदार निभाए, सो ऑलवेज़ देवी माँ मेरे दिल के बहुत करीब है, तो जब भी वो आते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ एंड सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ एंड खुद को पैम्पर करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे माँ का हर किरदार ही अच्छा लगा है, बट डेफिनेटली काली माता का रोल जो था वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी और लोगों को इतना पसंद आएगा, एंड इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि रेडी होना, उसका गेटअप, उसका ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग, इट वाज रियली डिफ़िकल्ट, एंड उसके ऊपर तांडव करना, परफॉर्म करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बट कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा थी इसलिए मैं कर पाई। या जाने दो ना, उसके बाद मुझे नहीं पता, बस यही कहना, यही इमोशंस है कि अब हो गया, छोड़ दो मुझे, बसंती को जाने दो। लंबे समय के बाद आखिरकार इशिता के नाखूनों को मिला एक फ्रेश लुक, और ये लुक देखकर इशिता काफी खुश भी है। तो इशिता कैसे लगा आज का सेशन?
अमेजिंग कॉज आई लव्ड इट कॉज दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग कॉज मैं जो सोच रही थी कि कुछ मुझे डिफरेंट चाहिए एज़ यूजुअल आपने मुझे बेस्ट आइडिया ही दिया है और मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट करके क्योंकि दिस लुक्स सो अमेजिंग कॉज इतना मेहनत किया है जो आर्ट है यू नो दिस 3D इफेक्ट एंड द ग्लिटरी और जो मैं कॉस्ट्यूम पहनने वाली हूँ पूजा में दुर्गा पूजा में इट विल लुक रियली नाइस ऑन मी सो आई एम रियली एक्साइटेड So are you happy? I'm really happy. I'm super happy. I'm super excited. Thakir tale, gomor dole, khushite nache mon. Aj baja kashor, jama ashor, thakbe ma ar koto khon. Bolo Durga Mai ki joy. सो मेरी तरफ से सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की ढेर शुभकामनाएं बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इशिता गांगुली एंड थैंक यू राजश्री थैंक्स टू यू बाबा फॉर सजेस्टिंग सच अ नाइस आइडिया थैंक यू लॉट्स ऑफ लव भाई हम तो यही कहेंगे कि नवरात्रि का त्योहार है और आप सब भी खूब सजिए सवरिए और खुशियाँ मनाइए मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट